नमस्कार, मो चैनल कुकुज प्रणति को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। आज मु आपण मानको सहित अटर एक मजेदार एवं टेस्टी जलखार रेसीपी शेयर करी, जहाँ को कि आपण माने जे कोनसे समय रे बहुत सहज रे बनेगी खाई परिबे। जेहेतु आम यहाँ अटर बनाऊे, तेणु यह टेस्टी हवा सहित हेल्दी मध्य होता है। तेणु यह आपण माने पिला मानको टिफिन रे आराम से बनेगी देई परिबे और पिला माने मध्य याकु बहुत खुशी रे खाइबे। तबे चलंतु देरी नकरी रेसीपी स्टार्ट करिबा। ए रेसीपी पई मु एठी गोटे मीडियम साइज रो प्याज को एंती चोपा छड़े नहीं जाइछि। एबे आमे आगु काटिबा और एठी मु दुईटा मीडियम साइज रो आलू को एंती चोपा छड़े कि पानी रे भिजे कि रखिछि, न लाळू हमर कळा पड़ी जिवो। एबे आमे आलू को साइड को रखि देबा आ प्याज को प्रथमे काटि नबा। एबे प्रथमे आमे प्याज को दुई फाळ करि कि तार मुंडीटा को एबे बाहर करि नबा एंती का। एबे आमे प्याज को लंबा लंबा आ पतला पतला करी काटी नवा। इटे जेमती मु काटी के देखुछी, देखंतु एही परिका आमे प्याज को काटिबा। एबे आमे प्याज को हल्का हाथ रे टिके एमती दळी दबा, जेमती का तार लच्छा उडा एक दूसरे रु टिके अलगा हे जिवो, गोटा गोटा हे जिवो एमती का। एबे आमे ई लच्छेदार प्याज को गोटे बॉल को बाहर करी नवा। एबे आमे चोपा छड़े की रखीतिबा ए आलू को मध्यम ग्रेट करी नवा। इटे देखंतु दुईटा ग्रेटर अच्छी, गोटे बड़ आ गोटे छोट। आम छोट ग्रेटर साहय आलू को ग्रेट करी नवा। इटे मु दुईटी जाक आलू को ग्रेट करी नहीं छी। एबे आम आलू को दुई रु तीन थर भलसे धोई नवा, जहाँफल कि आलू रे थिबा स्टार्च गुड़ा बाहर जीवो। इटे देखंतु मु आलू गुड़ा को बढ़िया से धोईकी पानी रे पकेक रखी, ना आलू आमर कला पड़ जीवो। जे पर्यंत आम आलू को यूज करिने, आलू को आम एमती पानी रे रखिबा। एबे आमे ई आलू को साइड को रखी दबा आ गोटे बड़ मिक्सिंग बाउल ले जिबा। एबे आमे एथिरे प्रथमे दे दबा आमर काटी के रखी थिबा लच्छेदार प्याज और ग्रेट करके रखी थिबा आलू को। तो आलू को मैं हाथ रे एमती भल भाव रे चिपुड़ी के दे दूछी। इठे मु सब तक आलू को हाथ रे भल भाव रे चिपुड़ी के दे देली। एबे आमे एथिरे दे दबा आधा कप अटा, जो अटा आमे डेली रोटी बने की खाउछे सही अटा रु अध कप नहीं थी। देदबा दुई बड़ चम्मच बेसन और देदबा दुई बड़ चम्मच कॉर्नफ्लोर। यह कुटिके रागो और चटपटा बनवाई मुझे दुईटी कंचा लंका को छोट छोट कर आपन जदि पिला बनाऊ था कंचा लंका को स्किप करें। दस बारटी भेसुंग पत्र को छोट छोट कर गोटे छोट चम्मच जीरा देदबा, अधा छोट चमच हलदी गुंड दे दबा, गोटे छोट चमच चिली फ्लेक्स दे दबा। बे लास्ट रे हमें दे दबा एथे स्वाद अनुसार लुण। तो ये मु गोटे छोट चमच यूज करी, आपण आपण हिसाब रे लुण कम बेसी करि परिबे। एबे हमें सब को बढ़िया से मिक्स करि नबा। तो ये मु स्पून साइज रे मिक्स करूछी, आपण चाहिले हाथ रे मध्य मिक्स करि परिबे। एबे हमें एथे अल्प अल्प पानी देकी गोटे बढ़िया स्मूथ बैटर बनई नबा, जमती का आम पकुड़ी बैटर बनाऊे से परिका। एक बेल के बेस पा देवेनि, ना आम बैटर पाया हो तो आम जलखिया भलसे बनबनी। ये देखूँ बैटर आमर पूरा पूरी रेडी परिका, आम बैटर बनवा दरकार। ये आम बैटर रेडी एवं चलतु जलखिया बनवाई आम तावा गरम कर नवा। तो ये मुझे गैस तावा को गरम हवाक देखी, तावा आम बढ़िया से गरम हो गला। एबे आमे ई गरम तावा रे गोटे बड़ चम्मच सोरिष तेल दे दबा, ताकु भल भाव रे स्पैचुला साइज रे तावा रे स्प्रेड करी नबा। एबे आमे ई गरम तावा उपरे किछि किछि बैटर देकी ताकु हल्का टिके स्प्रेड करी नबा आ एमती का छोटो छोटो बरा बनई नबा। एका बड़ के तावा रे जेतिक जाग हबो सेतिक बरा देबे, बेसी लगे लगे कि देबेनी, नले बरा हमर भांगी जिवो। दुई मिनिट बरा गुड़ा को गोटे साइड सेकिला परे ताऊपरे मु किछि सोरिष तेल बुले नौची। तापरे आम ए बरा गुड़ा को उल्टे दबा। इटे देखंतु दुई मिनिट हाई फ्लेम रे बरा गुड़ा को कुक कला परे बरार गोटे साइड केमती गोल्डन कलर आसी बहुत सुंदर देखा जाउची। एबे आमे सब बरा गुड़ा को भल भाव उल्टे नबा आ ताकु कवर करिकी तीन रु चार मिनिट लो फ्लेम रे कुक हबा को दबा।
ଏଠି ବରା ଗୁଡ଼ାକୁ କଭର କରିକି କୁକ୍ କରିବାର ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 3-4 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ କୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି, କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବରା ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ଭିଜିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଖରୁ ଦେଖାଉଛି ବରା ଆମର କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ କୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ବରା ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ଆଉ ସେ ସେମ୍ ପ୍ରସେସ୍ରେ ଆମେ ବାକି ତକ ବରା ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ନେବା। ଏଠି ଆମର ସବୁତକ ବରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଇଭିନିଂର ଟି ଟାଇମ୍ ସ୍ନାକ୍ସରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମର୍ଣ୍ଣିଂର ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟରେ ହେଉ ଆରାମସେ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟରେ ତ ବନେଇକି ଦେଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଇବେ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ସସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ସହିତ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ରେସିପିଟିକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ମୋର ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ତେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।